हेलो देर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकी गेमिंग हाउस। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लाया हूं जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा हर एक उस जने के लिए जो नई नई एडिटिंग करना चाहता है, वो रिलेटेड हो वीडियो से। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप स्ट्रीमर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर आप किसी भी मीम्स एडिट करते हो। ये बहुत ही बेसिक ऐप है जिसे आप अपने लाइफ में काफ़ी यूज़ कर सकते हो और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको बताऊंगा आप इसे कैसे पूरा यूज़ कर सकते हो, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सुनो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ मैंने इस ऐप को खोल लिया। इस ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी ऐप है, ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना चुका था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप इसके मेन जो फीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। लाओ यहाँ पर प्लस पे मैं साइन करता हूँ। मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐप ऐड कर लेना, जैसे मैं किसी भी कोई भी एक मीम्स को ले लेता हूँ, फनी वीडियो को ले लेता हूँ, मैं इसको जैसे ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी साउंड है। अब आप कोई साउंड नहीं चाहिए, आप इसकी जगह कुछ और लगाना भी चाहते हो तो आप यहाँ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम का दिखता है ऑप्शन। आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी हो सके वॉल्यूम पूरी डाउन कर दीजिए एंड राइट कर दीजिए। नाउ अब इसकी जो वॉल्यूम है वो देख सकते हैं आप, पूरी जा चुकी है। मैंने कोई अपने फ़ोन से इसकी वॉल्यूम डाउन नहीं करी, मैंने इससे करा। नाउ ये तो हो गया इसका एक पहला कूल ऑप्शन। नाउ अब आपको इसमें साउंड, आप इसे ट्रिम कर सकते हो जितना चाहे, नाउ यू कैन चू इतना, या फिर इसे कट कर सकते हो कितने कितने पार्ट कर सकते हो, या आपको यहाँ से पार्ट उड़ाना है, आपको वहाँ से पार्ट उड़ाना है। बहुत ही यू नो बेसिक होता है कि आप जब भी आप कोई वीडियो एडिट करते हो, आपको कुछ ऐड डालना हो तो वो कर सकते हो, या फिर आपको इसमें स्प्लिट कर सकते हो। अब नाउ म्यूज़िक, अब म्यूज़िक इसमें बहुत होता है। मैं रिसेंट ऑलरेडी एक बना चुका था देखने के लिए तो मैं अभी यूज़ करता हूँ। फीचर्स में जाते हैं, फीचर्स में अपने आप म्यूज़िक देते हैं जो कि आप किसी भी इंट्रो में लगा सकते हैं आप अपनी। ना अभी हम माई म्यूज़िक में जाते हैं, माई म्यूज़िक में या तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियो, आप वो ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वीडियो से। अगर आपके पास कोई अपने म्यूज़िक है, ये जैसे मेरी म्यूज़िक लिस्ट है, या फिर मैं यहाँ से म्यूज़िक डाल सकता हूँ। एंड सबसे मस्त चीज़ जो इसमें मैंने देखी है, इसमें इफ़ेक्ट्स बहुत है। इफ़ेक्ट्स इसमें हर चीज़ के हैं, लाफ्टर, एयरप्लेन, अप्लॉज, बर्ड्स, फार्ट्स। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ इन पर क्लिक करना और ये डाउनलोड हो जाएंगे। और आपको जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक फार्ट का डाउनलोड कर रखा था, मैंने यहाँ यूज़ पर क्लिक करा तो अब मैंने ये डाल दिया यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ मैं चला के। नाउ अब इससे पूरा कॉम्प्रो होता है ना। नाउ अब फिल्टर्स जैसे आपको मन करे वैसा लगाओ, बट आई डोंट कि आप फिल्टर के ले जाओ। वैसे अगर आपको प्रो बनना है तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके इफ़ेक्ट, इसमें इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं जो कि आपको बहुत यूज़ करेंगे। जैसे आप सुनते हो ना बहुत ही ओ वाले कूल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप इस पर दबाए रखोगे तो ऐसे यहाँ पर लगता चला जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इस वाले बैक से बटन से हटा सकते हो इसको भी। नाउ लेट्स गो फॉर टेक्स्ट। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया। आपको यहाँ पर फॉन्ट्स मिलते हैं बहुत सारे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। आप कलर चेंज कर सकते हो, मैंने इस पर राइट कर दिया, मैंने यहाँ पर ठीक है इस पर लगा दिया। ना रही बात स्टिकर्स की, स्टिकर्स आप अपनी गैलरी से भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिकर अपनी गैलरी से लिए थे। आप इमोटिकॉन्स भी यूज़ कर सकते हो, आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो, उनकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, आपको कितना वो दिखाना है कितना नहीं दिखाना है वो आपके ऊपर है। नाउ बात करते हैं स्पीड की। अब आपको स्पीड आपके ऊपर है, वो आप कितना यूज़ करना चाहते हो। या तो आप इसे पूरा फास्ट कर दीजिए या तो इसको बिल्कुल स्लो कर दीजिए, वो है आपके ऊपर। सारे एडिटर्स अपने अपने डिफरेंट स्पीड यूज़ करते हैं, सारे मीमर्स अपने हिसाब से स्पीड यूज़ करते हैं। आप इसे टिक कर देते हैं, मैंने इसे स्लोमो कर दिया। नाउ गो फॉर बीजी। बीजी इज़ कि आप किसके लिए बना रहे हो, या तो आप इंस्टाग्राम के लिए, आपको यूट्यूब जैसे के लिए भी मिलता है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के लिए भी मिल रहा है, आपको टिकटॉक के लिए भी मिल रहा है। अगर आप टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ इसे आपको यूज़ मत करना, वरना आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू। नाउ अब हमने इसकी बात कर ली फ्रेम्स की, मैं बैक हो जाता हूँ। अब नाउ रह क्या गया, आप अगर आपको अपनी रिकॉर्ड करनी है वॉइस तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी है, वॉल्यूम है, रोटेट है फ्रेम में। और आपके पास जैसा मैंने यूट्यूब पर देख रहा, आप देख सकते हो कि ये काफ़ी दूर सा दिख रहा है, इसका वैसा पूरा नहीं दिख रहा। आप इस पर क्रॉप पर जा सकते हो, क्रॉप पर जाने के बाद इसे आप जितना ठीक करना चाहो अपने हिसाब से उतना क्रॉप कर दीजिए। अगर आपको इतना यूट्यूब पर डालना है, मैंने इसे ठीक करा। नाउ अब आपको यूट्यूब पर कुछ ऐसा दिखेगा।
अब जैसे आप पूरी एडिटिंग अपनी कर लोगे तो मेन चीज़ इसकी जो है वो जब आप इसको सेव करोगे तो ध्यान रखना कि कीप ड्राफ्ट मत करना। अगर आपने कीप ड्राफ्ट किया जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है ना वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी जो भी आपने एडिटिंग करी होगी। सो मेरा मानना यही है कि कीप ड्राफ्ट मत करना ताकि जो आपकी एडिटेड वीडियो वो अलग रहे, जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है वो ताकि आपकी अलग रहे। अब ना अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब भाई मुझे नहीं पता अब उस लाल वाले बटन के साथ तुम फाट साउंड निकालो या उसको ट्रिम करो या तुम उसको कट करो, बट वो दब जाना चाहिए वरना मैं आके तुम्हारे वहाँ पर स्टिकर लगा दूँगा जहाँ तुम सोच नहीं सकते। मजाक कर रहा था। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।